Hey guys, how are you? Welcome to my YouTube channel Education Candle. My name is Anjali Sharma. So today the topic of discussion is advantages and disadvantages of gears. तो चलिए start करते हैं. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसकी advantages क्या हैं. गियर ड्राइव का यूज अपेक्षाकृत कम डिस्टेंस पर शाफ्टों के बीच मोशन और पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है. हम जानते हैं कि गियर ड्राइव जो होता है वो हमारा जो कम डिस्टेंस होती है उसमें पावर को या मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए एक बहुत ही सुटेबल चीज़ है, यानी कि बहुत ही सुटेबल मैकेनिज्म है हमारा गियर ड्राइव. सो इसलिए यूज़ किया जाता है. तो ये इसका सबसे पहला एडवांटेज है. देन शाफ्टों की मोशन बहुत कम हो या अधिक हो, यानी कि अगर आपकी जो शाफ्ट है वो किसी भी आरपीएम पे घूम जाए, चाहे वो स्लो हो, उसका स्पीड स्लो हो या फास्ट हो, दोनों के लिए ही हमारा जो गियर ड्राइव है वो बहुत ही अच्छा रहता है. देन गियर ड्राइव एक पॉजिटिव चालन है, यानी कि एक पॉजिटिव ड्राइव है ये हमारा गियर ड्राइव. इसका मतलब क्या होता है पॉजिटिव ड्राइव का? इसका मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट और एक्यूरेट वेलोसिटी रेशो देता है. वेलोसिटी रेशो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमारी रस्सी होती हैं या जो स्लिप बेल्ट होती हैं उसमें क्या होता है कि स्लिप होने का चांस रहते हैं. अगर वो स्लिप हो जाएंगी तो उससे क्या होगा कि जो आपका वेलोसिटी रेशो है वो ख़राब हो जाता है. पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ प्रीसियस मशीनिंग्स होती हैं जिसमें हमें क्या चाहिए होता है, एकदम वेलोसिटी रेशो कॉन्स्टेंट चाहिए होता है, एग्जैक्ट चाहिए होता है. तो उनके लिए अगर हम अपना गियर ड्राइव यूज़ करें तो ये बहुत ही सुटेबल चीज़ है. देन गियर ड्राइव से हम जो लो है यानी कि मिनिमम से मैक्सिमम मोशन को या पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, चाहे वो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो. मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक हम मोशन या पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं गियर ड्राइव से. देन गियर ड्राइव एक कॉम्पैक्ट इकाई है, यानी कि एक कॉम्पैक्ट यूनिट है. कॉम्पैक्ट यूनिट का क्या मतलब होता है कि इसके लिए जो आपको स्पेस है वो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कम स्पेस में ही अच्छे से आ जाता है. तो जहाँ आपको कम स्पेस हो आपके पास और आपको एक अच्छा ड्राइव चाहिए तो आप जो हमारा गियर ड्राइव है इसे यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही सुटेबल है उसके लिए. देन गियर ड्राइव एक विश्वसनीय चालन है, यानी कि इस पर आप विश्वास कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा ड्राइव सिस्टम है. और इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत कम आता है और इसकी जो सर्विस लाइफ है वो ज़्यादा होती है, यानी कि ये आपके लिए बहुत ही सुटेबल चीज़ है. सो ये होते हैं एडवांटेजेस ऑफ गियर ड्राइव. अब हम ये देखेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. एडवांटेजेस हमने देख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट से थे वो, तो मैं आपको थोड़ा ज़्यादा कहूँगी कि उन्हें अच्छे से याद करें क्योंकि इनके चांसेस होते हैं कि आ जाए. ओके, सो अब डिसएडवांटेज पे चलते हैं. इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये महंगा चालन है, यानी कि ये कॉस्टली ड्राइव है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा महंगे होते हैं, यानी कि वो थोड़े स्पेसिफिक होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के लिए इक्विपमेंट्स या टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं. तो इस वजह से जो आपका गियर ड्राइव होता है ये महंगा होता है. तो ये इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है. देन गियर ड्राइव की क्रिया के अंतर्गत उपयुक्त स्नेहन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इसके लिए आपको लुब्रिकेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी जो इसके लिए सुटेबल हो. तो लुब्रिकेंट अगर स्पेसिफिक होगा तो वो थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, तो इसीलिए ये भी आपका एक डिसएडवांटेज आ जाता है कि इसी के लिए जो सुटेबल लुब्रिकेंट है उसकी ज़रूरत पड़ती है. देन गियर दांतों के निर्माण में थोड़ी सी एरर होने पर, यानी कि जब आप गियर के जो टीथ होते हैं जब उनका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है, अगर उनके टीथ के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम थोड़ा सा भी एरर आ जाता है तो उससे उनकी जो क्रिया है यानी कि उनका जो ऑपरेशन है उसके अंतर्गत जब वो ऑपरेशन कर रहे होंगे, हमारे जो गियर के टीथ हैं जब वो ऑपरेशन में होंगे, तो अगर उनके टीथ में थोड़ा सा भी एरर है तो क्या होगा, उसमें कंपन यानी कि वाइब्रेशन और साउंड होने लगता है. तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. तो ये थे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गियर ड्राइव. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.